हम 187 वाहिनी के सारे कार्मिक बड़े उत्साहित हैं। सबसे पहले हमने चांद को फतह किया, अब सूरज की बारी है। सूरज से बहुत सी किरणें निकलती हैं और बहुत तरह के वेवलेंथ्स निकलते हैं, एनर्जी के सोर्सेस निकलते हैं जो धरती तक पहुंच नहीं पाते हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, उनको हमारे वहाँ आने देता है। इसीलिए सूरज को स्टडी करने के लिए हमारे वहाँ से L1 आदित्य एक लैग्रांज पॉइंट 1 तक के यहाँ 4 महीने की यात्रा तय करेगा, और वहाँ जाने के बाद उसको सूरज से जो किरणें निकलती हैं जो धरती तक नहीं पहुँच पाती, उनको अच्छे तरह से स्टडी करेगा। पहले चांद की बारी थी, अब सूरज की बारी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा मिशन सक्सेसफुल रहेगा और हम 187 वाहिनी के पूरे कार्मिक बड़े उत्साहित हैं, बड़े प्रोत्साहित हैं, और बाकी बहुत खुश हैं कि इसरो ऐसा मिशन करने जा रही है कि जो दुनिया के बहुत कम देशों ने कर रखा हुआ है। ये लैग्रांज पॉइंट 5 पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पॉइंट पर हमारा देश ये अपने आदित्य L1 को जाके स्थापित करेगा, और वहाँ से स्टडी करके जो हमें चीज़ें हमारे पास आएंगी, तो सूरज को समझने में, सूरज के विज्ञान को समझने में, उसके रेडिएशन को समझने में हमें बहुत ढेर सारी मदद मिलेगी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।